आज हम फिल्मी सितारों की बात करें तो हम में से काफी लोग उनकी कलाकारी से लेकर उनका जन्मदिन तक को याद रखते हैं, मगर बहुत कम ऐसे लोग हैं जो देश के योद्धा एवं गोल्ड मेडलिस्ट को याद रखते हैं। आज हम जिनकी बात करने वाले हैं, वह एक आदिवासी परिवार में जन्मे हैं, जिनका जीवन में दो महत्वपूर्ण सफर रहा है। एक, उन्होंने आदिवासी परिवार के संघर्षशील जीवन में देश के लिए ओलंपिक गोल्ड दिलाए, और दूसरा यह कि आदिवासी समाज की ऊर्जा व अधिकारियों के लिए लड़ने वाले क्रांतिकारी रहे थे। उनका नाम है जयपाल सिंह मुंडा, जिनका आज 118वां जन्म जयंती था। देश के काफी कम हिस्से में इनके आज जन्म जयंती को मनाते हुए देखा गया। आज जयपाल सिंह मुंडा के 118वां जन्म जयंती के सुअवसर पर श्रमिक युवाओं ने इनके प्रयास को प्रकाश डालते हुए इनका जन्म जयंती अलीपुर द्वार जिला के एथलबाड़ी में मनाया। इस विषय को गंभीरता देते हुए उत्तर बंगाल चाय श्रमिक संगठन अध्यक्ष क्रिस्टिन खरिया ने बताया कि बहुत दुख की बात है कि हम इन जैसे क्रांतिकारी एवं गोल्ड मेडलिस्ट को भूलते जा रहे हैं। वहीं आज हमें बहुत खुशी भी मिली है जो उत्तर बंगाल चाय श्रमिक संगठन की ओर से एथलबाड़ी में इनके जन्म जयंती को भव्य रूप से मनाया गया। डुअर्स के अलग अलग चाय बगानों से सैकड़ों की संख्या में जयपाल सिंह मुंडा को पुष्प चढ़ाकर एवं दीप जलाकर इनकी देश के प्रति योगदान को हमने अपने बीच हरा भरा किया। और उन्होंने यह भी बताया कि हमारे बीच भी ऐसे कई युवा हैं जिनके भीतर ऐसी क्रांतिकारी ज्वाला है, बस उन्हें हमारे बीचों से निकलना बाकी है।